हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके पेरिस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जॉन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, उसके आगे वाला टॉपिक जो हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। कल हमने क्या कंप्लीट किए थे, रिकैप कराते हैं। हमने कल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़े थे और उस लाइन की प्रॉपर्टी पढ़े थे, ठीक है। अब उसके बाद टॉपिक आता हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बाद टॉपिक जो आता है वो जमता नहीं है मुझे कुछ, क्योंकि जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देना काफ़ी होशियारी वाली बात है, बट अभी हम लोग उतने होशियार नहीं हुए कि पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके बाद पढ़ लें, ठीक है। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े। इसको पढ़ने बाद तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, ताकि वो अगले टॉपिक से इंटरलिंक्ड है, तो ठीक है। तो ये मत कहिए कि मैं कुछ छुड़वा रहा हूँ, मैं कुछ छुड़वा नहीं रहा हूँ, मैं सिक्वेंस के अकॉर्डिंग चलूँगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और देखिए, इलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता है, आर यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक। मैं ऑलरेडी इस चैप्टर में इतने अच्छे से क्लियर करा चुका हूँ आपको, इलेक्ट्रिक के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, ठीक है, इसलिए जस्ट इसको इलेक्ट्रिक बोलते हैं। डाईपोल, डाई मतलब होता है क्या, दो, और पोल्स मतलब पोल्स यानी कि एंड्स, किनारे, जो भी बोलिए। जैसे आपके पास मैग्नेट्स होते हैं, क्या होते हैं, मैग्नेट्स, तो मैग्नेट्स भी डाईपोल्स होते हैं, होते नहीं होते हैं, कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ होते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी डाइपोल होते हैं, कौन कौन से, माइनस चार्ज और प्लस का, यानी कि पॉजिटिव का और नेगेटिव का। अगर कोई आपके पास ऐसा सिस्टम मिले जिसमें कि दो चार्ज हो, कितने चार्ज हो, दो चार्ज हो, एक चार्ज कैसा हो, नेगेटिव का हो, और एक चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव का हो, बट इसमें एक कंडीशन है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होना चाहिए, और वो डिस्टेंस एकदम फिक्स होना चाहिए, यानी कि सर्टेन डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत ही फाइनाइट होता है, यानी कि फाइनाइट डिस्टेंस होता है, तो इस सिस्टम का वो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे जनरली डिफाइन कर दिया जाता है। बट यहाँ पे जो एक मेन इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस होता है लोग छोड़ देते हैं, उसमें क्या हम इंक्लूड करेंगे, यहाँ ये बोलना सही नहीं होगा कि एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, ऐसे नहीं बोलेंगे। ये बात सही है कि प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज बोलेंगे, बट एक बात और जोड़ेंगे कि इन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि एक होगा मान लो माइनस टू कूलाम का, तो अगला भी होगा प्लस टू कूलाम का, एक होगा माइनस फाइव कूलाम का, तो अगला भी कितना होगा, प्लस फाइव कूलाम का। ऐसे नहीं होगा कि मान लो कोई माइनस टू कूलाम है और कोई प्लस फाइव कूलाम है, ऐसे नहीं रखना है प्लस क्यू और माइनस क्यू को। तुमको ऐसे रखना है कि दोनों चार्ज कैसे हो, अपोजिट हो, एक क्या हो प्लस हो और एक क्या हो माइनस हो, कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर टू, तीन चार्जेस के मैग्नीट्यूड यानी क्या क्या है, माइनस टू है तो ये भी क्या होना चाहिए, प्लस टू, और ये प्लस फाइव है तो ये माइनस फाइव, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए चार्ज का, सेम होना चाहिए। दो चार्ज होने चाहिए जिनकी जो नेचर क्या हो, अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और डिस्टेंस क्या हो उनका, फाइनाइट हो। तो ऐसे पूरे सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल, क्या बोलते हैं, डाइपोल। चलिए इसका राइट कर लेते हैं पहले, ठीक है। डाइपोल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो लिखेंगे व्हेन टू अनलाइक व्हेन टू अनलाइक हैविंग सेम मैग्नीट्यूड पॉजेस टू चार्ज, अच्छा लिख दें क्या ऑलरेडी पॉजेस क्या लिख रहे हैं, वेन टू अनलाइक हैविंग सेम मैग्नीट्यूड पॉजेस चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट मतलब होता है निश्चित यानी कि फिक्स, फाइनाइट डिस्टेंस क्या बोल रहा है, व्हेन टू अनलाइक हैविंग सेम मैग्नीट्यूड पॉजेस चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस फॉर्म दिस टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कह रहा है कि व्हेन टू अनलाइक हैविंग सेम मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस फॉर्म दिस टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब क्या कह रहा है कि व्हेन टू अनलाइक चार्जेस, मतलब एक चार्ज कैसा हो, माइनस का, और एक चार्ज प्लस का हो, ठीक है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मान लो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू है, तो इसका भी कितना होगा, क्यू ही होगा, क्या होगा, क्यू होगा।
यानी क्या हो गया, ये माइनस क्यू हुआ, ये प्लस क्यू, ठीक है। तो क्या हो गया, व्हेन टू अनलाइक, देखिए व्हेन क्या हो गया, व्हेन टू अनलाइक चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड पॉजेस, मतलब रखते हैं चार्ज सेपरेटेड बाई फाइनाइट डिस्टेंस, मान लो फाइनाइट डिस्टेंस ये कुछ, मतलब कि डिस्टेंस फाइनाइट कर दिया गया, अब वो डिस्टेंस इनके बीच का क्या है, वो डिस्टेंस मान लो कितना हो गया, ये फाइनाइट डिस्टेंस बोल दिया गया, कि डिस्टेंस क्या होगा, एक्स नहीं, मान लो लेते हैं कितना, टू एल लेते हैं, 2L। आपको ये 2L क्यों लिए भाई, आगे मैं कैलकुलेशन करूँगा इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड में, तो बहुत अधिक लोगों को कन्फ्यूजन आता है, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं इसका डिस्टेंस कितना ले रहा हूँ, 2L। अब टूल पूछो कैसे आएगा, 2L ऐसे आएगा, देखो इसके बीच में मान लो कोई सेंटर होगा, क्या है, सेंटर है, मैं ऐसे कह रहा हूँ इस माइनस क्यू से, ध्यान दो इस माइनस क्यू चार्ज से इस सेंटर का डिस्टेंस L है, कितना है, L है, और ये भी कह रहा हूँ इस प्लस क्यू चार्ज से इस सेंटर का डिस्टेंस कितना L है, तो L और L ऐड करो कितना आ जाएगा, क्या गलत है ये, नहीं, तो तुम क्या ले सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा, 2L, ठीक है। तो क्या कर रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हेन टू अनलाइक चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड पॉजेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, वो फाइनाइट डिस्टेंस क्या होगा, 2L, 2L से ना अधिक ना 2L से कम, यानी कि 2L क्या होगा, एक फाइनाइट डिस्टेंस होगा, यानी कि व्हेन टू अनलाइक चार्जेस, मतलब कि दो अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम है और सेपरेटेड है बहुत ही फाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है, और अपोजिट नेचर के हैं, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या प्रतीक बाबू ज़्यादा डाल देते क्या इंक, ये देखो कैसे मौत हो रही है, आठ बूंद बहुत होता है यार, तो मतलब बताओ आठ बूंद, मतलब हम दो लेक्चर ले लिए होते अभी तक, चलो ठीक है, बात नहीं, लग रहा तुमसे नहीं डरवाएंगे इनको, चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए क्या, दो चार्ज, क्या कौन से चार्ज, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, और उनके बीच में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, और वो डिस्टेंस कितना, कोई फाइनाइट डिस्टेंस, 2L, ठीक है। आप ए एक्स भी ले सकते हैं, 2x ले लो, चाहे तुम्हारा मन कर रहा है तुम क्या ले लो, तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम 2D ले लो, तुम्हारा मन कर रहा है तो 2A ले लो, NCERT में 2A लिया, बट 2L मैं लिया हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है, आपका मन करे 2A ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, मैं रिपीट अगेन, जब दो चार्ज यानी टू चार्ज, ठीक है, अनलाइक नेचर के सेम मैग्नीट्यूड वाले बहुत ही फाइनाइट यानी कि सर्टेन डिस्टेंस पे रखे होते हैं, तो ऐसे सिस्टम को अगर हम बोलते हैं तो सिस्टम का नाम होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक यानी चार्ज से रिलेटेड, तो चार्ज से रिलेटेड है, डाई मतलब दो, तो देखो एक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, पोल्स मतलब क्या है, कि नेगेटिव का पोल एक पॉजिटिव का पोल, ऐसे ही आ गया तुम्हारे दिमाग में, क्लास टेंथ का बच्चा बैठा वो उससे पूछ देंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तुरंत बता दें, बता लोगे क्या होता है, मतलब कि उसके बीच का सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए, हाँ, वो सर्टेन डिस्टेंस कोई बने सिस्टम का बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, ठीक है, ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल आप देखोगे, हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल में आपको दिखा दूँ, केमिस्ट्री में बहुत अधिक दिखता है, एग्जाम्पल मैं दिखाऊँ, एग्जाम्पल मान लो HCl है, क्या है, HCl कंपाउंड, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में से हाइड्रोजन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है, हाइड्रोजन की दिखती है, बहुत अच्छा बाबू, यही पढ़ा, ये यही पढ़ाया गया, नहीं मतलब बदनाम करोगे, ऐसे बदनाम करोगे क्या, सीएल की दिखती है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करता है, तो अगर क्लोरीन हल्का से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करेगा तो उस पर निगेटिव का चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके पास, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पार्सियल का निगेटिव, यहाँ आ जाएगा पार्सियल का पॉजिटिव, देखो यार डायपोल नहीं बन गया, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और सर्टेन डिस्टेंस ये उनके बीच करे वो डायपोल नहीं बन गया, तो डायपोल का एग्जांपल क्या हो गया तुम्हारा, HCl केमिकल कंपाउंड तुम्हारे डायपोल के, लेकिन अब बताओ कहीं ऐसे लिखा हो तुम्हारे पास Cl2, यानी कि Cl और Cl क्या डायपोल बनाएंगे, रिपल करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है, रिपल करेंगे तो डायपोल बनेगा, नहीं बने, डायपोल में क्या होना चाहिए, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान दो, डायपोल में हमेशा अगर हम डायपोल बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, पहले क्यू लिखेंगे, फिर नहीं, पहले लिखेंगे क्या, माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू। कोई भी आइडियल डायपोल, मतलब कि कोई रियलिटी में अगर कोई डायपोल बनाता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू तरफ, आ रहा समझ में, यानी कि देखो यहाँ पे माइनस क्यू है तो यहाँ क्या है, प्लस क्यू है। कोई भी डायपोल की डायरेक्शन कहाँ होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में इसको अपने कॉपी में नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल।
अगला आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, मतलब कि कौन से डाइपोल की स्ट्रेंथ अधिक है और कौन से डाइपोल की स्ट्रेंथ कम है, इसको बताने के लिए हम काम में लेते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या लेते हैं? डाइपोल मूवमेंट। अच्छा बताओ, अभी बताया डाइपोल कहाँ मिलता है तुमको? केमिकल कंपाउंड में मिलता है या नहीं मिलता है? अब चलो तुमको कुछ बता दें, डाइपोल मूवमेंट का फील आ जाएगा तुरंत। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट क्या होता है भाई? डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इट इज़ यूनिट विच कैन मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं रियलिटी में जो फील किया हूँ इस टॉपिक को, वो यही है। बुक में आपको रटुआ डिफिनेशन मिलेगा कि एक चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड उसका ले लो, उसका मल्टीप्लाई कर लो, सर्टेन डिस्टेंस से डाइपोल मूवमेंट बन जाएगा। हाँ बात सही है, बहुत ही बड़ा लॉजिक है, बट मैं जो रियलिटी में फील किया हूँ, मैं वो रियल बात आपको बता रहा हूँ और उसको आप फील भी करोगे। डिफिनेशन तो रट ही लोगे, मैं बता दूंगा, रट लेना। चलो, डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? इट इज, क्या लिखोगे? इट इज द, क्या होगा? मेजरमेंट। क्या होगा? मेजरमेंट यूनिट ऑफ डाइपोल स्ट्रेंथ, मतलब कि कौन सा इलेक्ट्रिक डाइपोल ताकतवर है और कौन सा इलेक्ट्रिक डाइपोल कमजोर है, उसके स्ट्रेंथ को बताता है कौन? डाइपोल मूवमेंट। आप पूछो कैसे, आओ दिखाते हैं। अब मान लो भाई, मेरे पास एक सॉल्यूशन के लिए एक बीकर यहाँ पे है, ठीक है, बीकर नंबर वन, और ये रहा बीकर नंबर टू। देखो, एक मेरे पास क्या है, डाइपोल यहाँ पे है, देखो ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। एक मेरे पास डाइपोल यहाँ हो गया, ठीक है, ये हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 2L, 2L, यहाँ क्या हो गया? 2L, वहाँ भी 2L। अब इसमें क्या हो रहा होगा? सॉल्यूशन हो रहा होगा, तो सॉल्यूशन में होगा, तो ये इसका मान लो ये जीरो वाला पॉइंट, मतलब जहाँ इसका मेन पॉइंट है वो, ठीक है, ये देखो मान लो सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ही पाया जाता है। मैं बस उसमें ले लिया हूँ डाइपोल ताकि आपको दिखा सकूँ रियलिटी में स्ट्रेंथ होता क्या है। देखो, मैं दो सॉल्यूशन लिया हूँ, सॉल्यूशन नंबर वन और सॉल्यूशन नंबर टू। ऐसा देखा गया रियलिटी में, लगाओगे क्या? टेलीस्कोप लगा लो, दूरबीन लगा लो, जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा लो। ऐसा देखा गया सॉल्यूशंस में कि हमारे दुनिया में दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, पहला सॉल्यूशन वो और दूसरा सॉल्यूशन वो जिसमें मैं दिखाने वाला हूँ। क्या? आओ देखो, देखो देखा गया भाई कि डाइपोल, डाइपोल मतलब क्या होता है जो बताया सबसे पहले, जिसमें दो चार्ज हो, सेम मैग्नीट्यूड हो और कुछ सर्टेन डिस्टेंस, उसको बोलते हैं डाइपोल। मूवमेंट मतलब क्या होता है? मूवमेंट मतलब जानते हो क्या होता है? घूमने की नेचर, पता है ना कि मूवमेंट ऑफ फोर्स पढ़ाया गया था इसके पहले, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया पढ़ाया गया था क्लास 11 में, याद है? मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? क्योंकि घुमाने का नेचर, जब किसी के पास कुछ घुमाने वाला नेचर तो वहाँ लगाते हैं मूवमेंट। क्या लगाते हैं? मूवमेंट। तो अगर क्या क्या हुआ, हाँ वही फोर्स लगता है, तो फोर्स क्या लगता है? लेकिन फोर्स पर अभी नहीं बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे हम। तो इस सॉल्यूशन में क्या देखा गया कि एक सेकंड में, कितने सेकंड में? एक सेकंड में जो ये डाइपोल होता है, ये एक सेकंड में 22 बार घूमता है। कितने बार घूमता है? यानी कि कितने बार? यानी कि 22 टाइम्स रोटेट करता है, यानी कि अपने जगह पे एक ही सेकंड 22 बार घूम जाता है। और यहाँ क्या होता है? यहाँ पे होता है एक ही सेकंड में 19 टाइम्स से घूम जाता है, मतलब कि अपने एक्सिस के अबाउट 19 टाइम्स घूम जाता है। समझ से ये एक सेकंड में 22 टाइम्स घूम जाता है और ये एक सेकंड में 90 टाइम्स घूम जाता है। तुम बताओ भाई, दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी अधिक होगी? 90 वाले, साफ बात है, क्योंकि वही एक सेकंड में ज़्यादा टाइम्स घूम रहा है और ये एक टाइम में, एक सेकंड में कम टाइम्स घूम रहा है, यानी कि एक ही सेकंड में 22 टाइम्स और एक ही सेकंड में 90 टाइम्स। ऐसा क्या हो रहा है भाई कि मतलब हमको ये वेरिएबिलिटी मिल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? तो तुम बताओ, दोनों फिगर पकड़ो, दोनों फिगर में जो डाइपोल्स बने हुए हैं उसमें क्या डिफरेंट है, बता सकते हो? हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और बोलो, और सेकंड वाले में बड़े हैं। हाँ बड़े बड़े, और कुछ? और इसमें डिस्टेंस बड़ा दूरी है। हाँ डिस्टेंस क्या है? अधिक है। बहुत अच्छा प्रतीक, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम 10th के स्टूडेंट हो लेकिन जान लो तुम बहुत लेवल की बात कर रहे हो, बहुत अच्छा, दिल खुश करती है। आप समझो,
यही भाई डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट यही होता है भाई कि इट इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ डाइपोल स्ट्रेंथ। अब बताओ दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ अधिक होगी, इसकी ना। अब देखो डाइपोल मोमेंट इसकी अधिक होगी यानी इसकी स्ट्रेंथ अधिक है तो बोलेंगे इसका डाइपोल मोमेंट अधिक हो। भाई यहाँ पे बारात जा रहा है तो इसलिए मैं थोड़ी देर के वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, तो बारात जा रहे थे इसलिए मुझे रुकना पड़ा है। हाँ तो यानी कि देखा गया एक सेकंड में यही सॉल्यूशन नंबर वन में जो डाइपोल था वो 22 टाइम्स रोटेट कर गया और वहीं पे सॉल्यूशन नंबर टू के डाइपोल्स एक सेकंड में 90 टाइम्स रोटेट कर गया। ऐसा इसलिए हो पाया भाई क्योंकि इस सॉल्यूशन में जो डाइपोल था उसकी स्ट्रेंथ कम थी और इस सॉल्यूशन में जो डाइपोल था उसकी स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा थी, तो डाइपोल अधिक हुई क्या हुई है, अधिक हुई क्या हुई है, तो डाइपोल की स्ट्रेंथ अधिक हुई क्या हुई है, डाइपोल की स्ट्रेंथ अधिक हुई है। तो देखो भाई डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताने के लिए क्या हम कम लेते हैं, डाइपोल मूवमेंट लेते हैं, तो बताओ इसकी डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। अगर इसका स्ट्रेंथ अधिक है तो डाइपोल मूवमेंट भी इसका अधिक है, लेकिन डाइपोल मूवमेंट भाई तुम क्या देख के बताए हो कि इसका अधिक है इसका कम है, तुम देखे हो इसका चार्ज छोटा छोटा था, इसका चार्ज क्या अधिक है, चार्ज छोटा या चार्ज बड़ा इसका मतलब होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज की वैल्यू। एक गुलाम लोगे तो स्ट्रेंथ, दो गुलाम लोगे तो और स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तीन गुलाम लोगे और स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हज़ार गुलाम लोगे और स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मतलब जितना तुम चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे डाइपोल मोमेंट बढ़ता जाएगा। डाइपोल मोमेंट बढ़ रहा यानी कि वो ज़्यादा घूमेगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट को फिजिक्स में दिखाते हैं पी से, किसे दिखाते हैं पी से, किसे दिखाते हैं पी से, और ये डाइपोल मोमेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज क्यू के, यानी कि इनमें से माइनस क्यू प्लस क्यू से नहीं मतलब हमको, सिर्फ मतलब है क्यू से, यानी कि माइनस टू गुलाम है प्लस टू गुलाम हमसे मतलब नहीं है, सिर्फ क्या होना चाहिए टू होना चाहिए, ओके क्यू है वही चार्ज से मतलब। अब दूसरा डाइपोल मोमेंट और दूसरा चीज़ क्या तुम देखे हो, इसके पीछे डिस्टेंस देखे हो ना, इसका कम था या अधिक था, यानी कि ए टू एल के भी डायरेक्टली प्रपोजनल होता है, होता ही नहीं होता है, पहला इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू, यानी कि तुम चार्ज की वैल्यू बढ़ाओ तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाओ तो भी डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। तो यहाँ भी पी और यहाँ भी पी है, तो पी को मैं क्या कर सकता हूँ एक ही बार कर सकता हूँ कर लूँ, तो पी क्या हो जाएगा, पी डायरेक्टली प्रपोजनल होगा क्यू इन टू टू एल के होगा, होगा। अब जाओ जब तुम डायरेक्टली प्रपोजनल का सॉल्यूशन, सॉरी जब डायरेक्टली प्रपोजनल का तुम साइन हटाते हो तो कॉन्स्टेंट लाते हो, वो कॉन्स्टेंट मान लो कितना है के है, कितना है के, और के क्यू इन टू टू एल, क्या है क्यू इन टू टू एल। दुनिया में जब भी एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या किया गया दुनिया में जब भी एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो के की वैल्यू हमेशा एक पाएगा, कितना पाया गया वन पाएगा, कितना पाया गया वन, और यहाँ वन रखो कितना आ जाएगा पी इक्वल टू क्यू इन टू टू एल, क्या हो गया पी इक्वल टू क्यू इन टू टू एल। तो अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट तो किसी बुक में तुम ढाक देख लो, ये मेरी गारंटी है उस बुक में तुमको यही डायरेक्ट दिया हुआ फॉर्मूला, ये कहाँ से आया है ये नहीं दिया रहेगा। अगर तुम इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो मैं नहीं बताऊँगा उस बुक का नाम क्योंकि तुम लोग हमसे चालाक बन जाओगे, ठीक है, बट मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट के सब बच्चे जानते होंगे और लोग नाम भी ले लिए होंगे अभी तक उस बुक का नाम, ठीक है, इसलिए सबको नहीं बताएंगे, क्लास 12 आईसी वाले जानते हैं कौन सी बुक से पढ़े हैं, तो उसमें मतलब डिटेलिंग देता है तो डिटेलिंग में पढ़ते हैं पढ़ाते हैं डिटेलिंग में। तो देखो भाई तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अब बुक वाला लैंग्वेज, बुक वाला लैंग्वेज मैं लिखूंगा, आप पहले डाइपोल मोमेंट इतना पहले लिख लो, पहली बात डाइपोल मोमेंट के बारे में इतना लिख लो, जनरल चीज़ समझ लो, मैं बुक का जो डिफिनेशन था डाइपोल मोमेंट का वो लिखता हूँ, ठीक है। डाइपोल मोमेंट होता क्या, इट इज़ दी मेजरमेंट यूनिट ऑफ डाइपोल स्ट्रेंथ, किसी भी डाइपोल का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए जो भी फिजिकल क्वांटिटी को काम में लेते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है डाइपोल मोमेंट होता है, हिंदी में लिख लो इसको। दूसरा बात डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन बताओ, हमेशा डायरेक्शन कहाँ होगा इसका माइनस क्यू से प्लस क्यू तरफ, यानी कि इसका डायरेक्शन कहाँ होगा माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज, यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू तरफ का डायरेक्शन जाएगा, पी हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर दिखा सकते हो, ठीक है। अब मैं इसका रियल जो डिफिनेशन बुक में दिया जाता है वो लिखूंगा, फिर मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आप इसका एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बारात जा चुकी थी, मैं बारात में इसलिए रोका था क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है मेरे वीडियो में। तो डायपोल मोमेंट का हम डिफिनेशन देखेंगे, कह रहा है कि इन एनी डायपोल मतलब किसी भी डायपोल में डायपोल मोमेंट ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, इसमें से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो,
ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या ले लो, सिर्फ क्यू ले लो, क्यू ले लो और उसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, क्या करना है, एंड सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन दोनों, यानी उसका मल्टीप्लाई उनके बीच के सर्टेन डिस्टेंस से तुम कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन कहाँ से होता है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, यानी कि कहाँ रहेगा, माइनस क्यू से ऑलवेज प्लस क्यू तरफ की रहेगा, ठीक है, मतलब माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। यूनिट क्या होगा इसका, देखो पी वैक्टर इसको क्या होगा, क्यू इंटू टू एल, क्यू क्यू स्टैंड फॉर चार्ज और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, क्या होता है, सी ओ एल ओ यू एम बी कूलॉम, अब बताओ यहाँ देखो टू एल, टू एल यानी क्या है, डिस्टेंस है और डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर, टू का तो कोई यूनिट नहीं होगा, तो डाइपोल मोमेंट का क्या हो जाएगा तुम्हारा यूनिट, कूलॉम मीटर नहीं होगा, कूलॉम मीटर, अच्छा ये बात हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया कूलॉम मीटर। अब बात करते हैं नेट चार्ज का, नेट चार्ज, नेट चार्ज जब हम कहीं कैलकुलेट करते हैं तो जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा और जितना निगेटिव चार्ज रहेगा उसको जोड़ते हैं, बताओ पॉजिटिव चार्ज में कितना है, एक है, तो प्लस का क्यू, प्लस का क्यू अच्छा, प्लस निगेटिव चार्ज कितना है, एक है, माइनस का क्यू कितना आ जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, नेट चार्ज कितना आ गया, जीरो, कितना आ गया, मतलब कि डाइपोल मोमेंट में नेट चार्ज कितना होता है, कुल चार्ज कितना होता है, जीरो होता है, क्यों जीरो होता है, क्योंकि प्लस का होता तो एक माइनस का होता है और मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, सेम होता है, मान लो माइनस पाँच कूलम था, प्लस का पाँच कूलम, जो ऐड करोगे कितना आ जाएगा, जीरो, ऐड करोगे जीरो आ जाएगा, माइनस टू प्लस टू जीरो, माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो, एंड नेट चार्ज डाइपोल मोमेंट का क्या होता है, जीरो होता है, हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है, ये हो गया उसके बारे में डिफिनेशन, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट में अगर तुमसे कोई कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, मतलब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, बना सकते हो, बन सकता है, और चलो दिखाते हैं, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर दिखाते हैं कोई डाइपोल मोमेंट में क्या, यानी कुछ डाइपोल में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, देखते हैं, मिटा रहा हूँ इसको, ले लें, चलिए, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन सकता है, देखो ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज है और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, कल वाला याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलता है, प्लस क्यू चार्ज से निकलता है, माइनस क्यू चार्ज में इंटर करता है, यानी प्लस किस से निकलेगा, माइनस में इंटर करेगा, फिर क्या होगा, प्लस से निकलेगा, माइनस में इंटर करेगा, प्लस से निकलेगा, माइनस में इंटर करेगा, फिर क्या होगा, प्लस से क्या होगा, निकलेगा, प्लस से बाहर, प्लस से बाहर और माइनस से अंदर, माइनस से अंदर, अच्छा यहाँ यहाँ दिखा सकते हो, प्लस से बाहर और माइनस के अंदर, तो देखो तुम्हारा एक डाइपोल था, उस डाइपोल में क्या बना दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बनाना पॉसिबल है कि नहीं, डाइपोल में पॉसिबल है, तो यहाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फील्ड लाइन इन डाइपोल, मतलब डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए, हमको चार्ज चाहिए, चार्ज बन गया, ऐसे बनाते हैं। अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब बन जा रहा है कहीं पे, तो उसमें कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, अब इसी इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए आपके लगेंगे दो लेक्चर, लेक्चर नंबर वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्विटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, यानी कि कोई आपके सामने डाइपोल दिया रहेगा, कोई डाइपोल रहेगा, ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास ऐसे कुछ डाइपोल बनाया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए डाइपोल माइनस क्यू है और यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू, इसके डिस्टेंस 2L दे देगा, ठीक है, यहाँ मान लीजिए एक्सियल पोजीशन, इस पॉइंट मान लो पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना होगा, इसको बोलते एक्सियल, मतलब उस एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, और नेक्स्ट आएगा वो नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा, वो नेक्स्ट होगा तुम्हारा इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल मतलब क्या होता है, इससे जैसे जो डिस्टेंस हम यहाँ ले रहे थे वो डिस्टेंस कहाँ लेंगे, वो डिस्टेंस मिलना शुरू कर देंगे ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्विटोरियल, क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल, और इसको बोलते हैं एक्सियल। इसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए दो लेक्चर लगेंगे और इस दो लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सिखाएंगे। आप सोच रहे हो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्यों इतना हम छोटा टॉपिक इतना लंबा क्यों खींचें, लंबा खींचने का रीज़न था, मैं कोई भी टॉपिक रटने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, हर एक टॉपिक में कॉन्सेप्ट लॉजिक आपको सिखाऊंगा, जो वो सीधे डायरेक्शन
दिया रहता है, आपको फॉर्मूला दिया रहता है, आप एज इट इज रट लेते हो, बट कैसे होता है ये नहीं जानने की कोशिश करते हो। मैं यही चाहता हूँ एक एक टॉपिक फिजिक्स का फील किया जाए, रियली में उसको अंडरस्टैंड किया जाए। जब अंडरस्टैंडिंग होगी तभी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ें, नॉट फॉर दी पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन। पास तो ऐसे भी आ जाओगे यार, ठीक है? ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एनर्जी, नए जोश, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हो गया हमारा